वेलकम टू आई एग्जाम भी आई एम प्राजक्ता जनरल अवेयरनेस फैकल्टी एट आई एग्जाम भी इस वीडियो में हम एससीच सेल में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो नोटिफिकेशन में हमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ में आ जाता है नेक्स्ट स्टेप इज प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस ये करने से हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और टॉपिक्स अच्छे से पता चल जाते हैं सो देन यू कैन डिवाइस योर स्टडी प्लान प्रॉपरली क्या पढ़े कैसे पढ़े ये डिसाइड करने के लिए ये प्रीवियस पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस विदीवियस क्वेश्चन सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में स्थित है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे क्वेश्चन जरूर आते हैं तो इन्हें हम अगर स्टेट वाइज प्रिपेयर करते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा द्वीप नदी में जो स्थित है आंसर इज माजुली आइलैंड वेरी फेमस आइलैंड विच इज एन आसाम और ये रिवर ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है इन विच इज यूनिसेफ एस्टेब्लिश इलेवन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशर्गेनाइजेशन जब आप कर रहे हो तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लोकेशन या हेडक्वार्टर्स जिसे कहा जाता है और प्रेसिडेंट या कौन उनके चीफ है ये आपको पता होना चाहिए साथ ही कीजिए हु बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे आंसर इज अबुल कलाम आजाद ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबुल कलाम आजाद बर्थडे इज ऑन इलेवेंथ नवंबर एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे हीराकूट डैम इज सिचुएटेड ऑन पिच रिवर आंसर इज महानदी रिवर्स और डैम्स आप साथ में करें दोनों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस पर जरूर आते हैं वेन वॉज राष्ट्रपति भवन कंस्ट्रक्टेड आंसर इज नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेल्व पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत का जो संसद भवन है वहां पर भी एक नई बिल्डिंग बन रही है और ये काफी न्यूज में है तो इसी लाइन्स पे और एक ये फैक्ट है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो नाइनटीन ट्वेंटी वन में कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया गया था और नाइनटीन ट्वेंटी सेवन में उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी थी सो दिस इज लाइक यू टेक अ हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट आर आस्ट इन द एग्जाम और हमें उसे करंट के साथ लिंक करके या हमें और कैसे क्वेश्चन उसमें से बना सकते हैं ये भी देखना है सत्रिया इज अ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विथ स्टेट आंसर इज आसम भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म्स फोक डांसेस सभी इंपॉर्टेंट है ये भी आप स्टेट वाइज कर सकते हैं अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी के साथ करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है शरद बोबड़े हैं, तो ये भी आपको नोट करना होगा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन लडाख यूनियन टेरिटरी आंसर इज टू तो ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये लग सकता है कि क्या सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के डिस्ट्रिक्ट करने जरूरी है तो ये काफी डिफिकल्ट होगा तो ये हमें पहले सोचना होगा कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया था तो लद्दाख का जो फॉर्मेशन है 2019 में लद्दाख वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी और उसी लाइंस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कारगिल एंड लेह आर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ तबला प्लेयर आंसर इज अमजद अली खान सो टू नोट इन दिस क्वेश्चन इज दैट नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्या पूछा गया है अमजद अली खान इज अ फेमसरोज मकर संक्रांति कॉल्ड इन गुजरात आंसर इज उत्तरायण फेमस फेस्टिवल्स इन इंडिया उनके नाम क्यू मनाए जाते हैं ये पता होना चाहिए अगर बाकी तीन ऑप्शन भी ऑब्जर्व करें तो दीज आर द नेम्स ऑफ वॉट मकर संक्रांति इज कॉल्ड इन द अदर स्टेट सो भोगली बिहू इन आसाम पोंगल इन तमिलनाड इन पंजाब तो इस तरीके से अगर आप फैक्ट्स कवर कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन क्वालिटी होगा वेर इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड आंसर इज पटियाला इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट डिफेंस इंस्टीट्यूट इनका लोकेशन नोट कर ले ऑल्सो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज एशियापोर्ट्स इंस्टीट्यूट सो वेरी इंपॉर्टेंट वेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड आंसर इज ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी टू भारत छोड़ो आंदोलन सो ये जो लैंडमार्क इवेंट्स है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उसके डेट्स आपको नोट करने हैं जैसे कि दांडी मार्च हो गया तो नाइनटीन थर्टी में था तो वो डेट्स आपको पता होने चाहिए

Fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duties all are very important. Daring Badi Hill Station is located in which of the following state? Answer is Odisha. So, the famous hill stations and states should be noted. Which American President won the Nobel Peace Prize? Answer is Barack Obama. Her year, jo Nobel Prizes he Peace Prize hota hai, Science Rated. Jo वो आपको नोट करने हैं स्पेशली इफ एनी इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज प्लीज नोट इट बराक ओबामा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन टू थाउजेंड नाइन रिसेंटली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी बराक ओबामा बुक हैज बिन पब्लिश उसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड द महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद क्विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट आंसर इज हॉकी स्पोर्ट्स रिलेटेड फैक्ट्स अब जब कर रहे हो तो स्पोर्ट रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ट्रॉफीज स्टेडियम्स ये सब साथ में करें फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरान हेल्ड इन वाज कोड नेम्ड एज आंसर इज स्माइलिंग बुद्धा पोखरान टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोखरान जो राजस्थान में है एंड द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन एटीन मई नाइनटीन सेवेंटी Which of the following is an example of the most explosive type of volcano? Answer is Calderas volcanoes. Types of volcanoes, types of rocks, types of soils. These questions aate hain. in detail. Which of the following prominent leaders wrote the book Citizen Delhi, My Life, My Times? Answer is Sheila Dixit. So famous people and their books should be noted. Which of the following rivers is a left bank tributary of Ganga? Answer is Gandak. Ganga also has the right bank tributaries. So it is necessary that you know the left bank tributaries as well as the right bank tributaries. Major important river systems in India should be done in detail. When is the International Ozone Layer Day celebrated? Answer is 16th September. So international days उस तो साल के लिए उसका कुछ थीम रहता है वो थीम आपको पता होना चाहिए एंड ट्राई डूइंग दिस मंथ वाइज तो रिविजन करने में भी आसान होगा सांभार लेक इज लोकेटेड इन विथ स्टेट आंसर इज राजस्थान लेक्स एंड देयर लोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया आंसर इज सिक्किम सेंसस डेटा यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन सो यहाँ पे हमें लीस्ट पॉपुलर तो समझ गया सिक्किम ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर स्टेट उत्तर प्रदेश सो यू कैन टेक अ हिंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड यूज देम इन योर प्रिपरेशन इट श्योरली हेल्प्स यू ज्यादा से ज्यादा पेपर्स अब देखे एट आई एग्जाम बी वी हैव मॉक टेस्ट विच आर फ्री do take up the mock test so that you go through the types of questions different types of questions you can attempt those questions and devise a strategy for the exam like and share the video subscribe to the sscb channel so that you get all the updates thanks for watching